हाय मैन, आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन लैंग्वेज, बट मुझे ये कन्फ्यूजन है कि मैं कहाँ से करूँ, गोएथे से या प्राइवेट कोचिंग से। वन मोर मैसेज अगेन, गोएथे एंड प्राइवेट। वन मोर एंड वन मोर। ओके सो लिवी, वी नीड टू मेक वीडियो ऑन डिफरेंस बिटवीन गोएथे इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट कोचिंग टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जर्मन टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज करनी है तो बेस्ट कौन सा है, गोएथे इंस्टीट्यूट बेस्ट है या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बेस्ट है। ना, इसका आंसर डायरेक्ट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा दोनों के बारे में कि दोनों के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और आपको कंफर्टेबल कहाँ रहेगा। अगर मैं बात करूँ गोएथे इंस्टीट्यूट की, तो गोएथे इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड में है, उनके अलग अलग सेंटर्स हैं गोएथे इंस्टीट्यूट के। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में मुंबई में है, पुणे में है, न्यू दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में है, तो इनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत सारे हैं इंडिया में नहीं, बाहर भी। इवन जर्मनी में भी गोएथे का तो पूरा एक स्कूल सेंटर है, वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लैंग्वेज। अब वैसे ही जो आपके प्राइवेट कोचिंग होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो भी इंडिया में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हर जगह हैं। हर किसी ने अपने कोचिंग सेंटर्स खोल रखे हैं। डिफरेंट बहुत सालों में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, तो उसमें हर एक को कन्फ्यूजन रहता है कि हम गोएथे जाएं या प्राइवेट कोचिंग से करें। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब गोएथे में क्या होता है कि गोएथे में एक तो इतने सालों से वो पढ़ा रहे हैं, उनका इतना बड़ा सेंटर है, तो उनका हर एक जो स्ट्रक्चर है जर्मन लैंग्वेज का वो वेल प्लान्ड रहता है कि उनको कैसे पढ़ाना है। और वैसे ही जो प्राइवेट कोचिंग वाले हैं, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होएगा। हर एक कोचिंग वालों का अपने अपने और पढ़ाने का तरीका होगा। कोई 2 महीने पढ़ाएगा, कोई 1.5 महीने पढ़ाएगा, कोई 3 महीने पढ़ाएगा। उसमें आप अगर मेरे से पूछोगे तो हम कहाँ से करें, तो मेरे पास भी कोई डायरेक्ट आंसर नहीं कि आप इस प्राइवेट कोचिंग से कर लो, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि इंडिया में कौन अच्छा है कौन नहीं। बट गोएथे का हम सबको पता है, क्योंकि मैं भी गोएथे से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो गोएथे का ऑलरेडी वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर रहता है, तो इसलिए हम गोएथे पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो हम लैंग्वेज तो कम से कम अच्छे से सीखेंगे ही वहाँ पे। गोएथे में होता है क्या है कि फॉर एग्जांपल वो हर एक जो 4 मॉड्यूल होते हैं एग्जाम रिलेटेड, वो उनको टच करते हैं, लेजन को, ह्योरन को, स्प्रेशन को, श्राइबन को। ये चारों चीज़ें आपकी क्लास गोएथे की क्लास में होती है। लेजन वो आपसे वहाँ पे रीड करवाते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा करवाते हैं। ह्योरन जो मैं अपने वीडियोस में ह्योरन करवाता हूँ, वो जो मैं ट्रांसक्रिप्ट दिखाता हूँ आपको, ये सब गोएथे में भी होता है। ट्रांसक्रिप्ट वाला नहीं होता है, बट एक ह्योरन, प्रॉपर ह्योरन होता है। एक्सप्रेशन, वहाँ पे एक्सप्रेशन की एक अलग से क्लास होती है, ग्रुप डिस्कशन होते हैं हर एक स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, तो वहाँ पे एक्सप्रेशन होता है। श्राइबन, वहाँ पे आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको श्राइबन दिया जाता है कि आप होमवर्क में करिए, और श्राइबन वहाँ पे चेक होता है। अब यही अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो जब आप कोई प्राइवेट, फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं है कि चलो ठीक है मैं गोएथे जा ही नहीं सकता, क्यों, कोई भी रीज़न हो सकता है, जॉब का, या कि कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, उनका टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा है, कि मैं गोएथे का टाइमिंग उनकी वेबसाइट्स पर आपको दिख जाएगा। अब वो शाम को ज़्यादातर होते नहीं है, कि अगर कोई जॉब करके आ रहा है, कोई स्कूल करके आ रहा है, कॉलेज करके आ रहा है, उसको शाम को जाना है, तो शाम को होगा कि नहीं होगा वो हमें पता नहीं है। वही प्राइवेट कोचिंग्स में शाम को रहती है क्लासेस। अब अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि नहीं मुझे प्राइवेट में ही जाना है, मेरे पास गोएथे का ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि आपकी सिटी में नहीं है, मे बी आप कोई छोटी सिटी में रह रहे हो, वहाँ पे कोई गोएथे इंस्टीट्यूट नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल इंदौर, वहाँ पे नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अगर हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्राइवेट कोचिंग में गए, तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप कोई प्राइवेट कोचिंग में जाते हो तो आपको उनसे कुछ चीज़ें पूछनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये कि क्या वो ये चारों चीज़ें करवाएंगे आपको, लेजन, ह्योरन, स्प्रेशन, श्राइबन। इफ़ यस, तो कैसे करवाएंगे, आप उनको बोलो कि हमें डेमो क्लास दो, इन 4 मॉडल के आप कैसे करवाओगे हमें, लेजन, ह्योरन, स्प्रेशन, श्राइबन। लेजन, अच्छा ठीक है आप हमें रीड करवाओगे, ह्योरन क्या आप प्ले करोगे ऑडियो, क्या आप उसका ट्रांसक्रिप्ट दिखाओगे हमें क्लास में, स्प्रेशन क्या आप ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाओगे, क्या इतने बच्चे हैं उस क्लास में कि
फॉर एग्जाम्पल 6 से 7 बच्चे मिनिमम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली 2 ही स्टूडेंट्स हैं, 5 6 बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए कि आप वो ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाओगे एक्सप्रेशन की। श्राइबन सर जो आपका प्रोफेसर होगा, जो सर होंगे, वो किस टाइप से हमें होमवर्क देंगे कि हमारा श्राइबन इम्प्रूव हो। तो ये मेरा सजेशन है, अगर आप कोई भी प्राइवेट कोचिंग में जा रहे हो तो आप उनसे ये सब क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि आप उनको पैसे दे रहे हो और आपको आपको भी पता नहीं है या किसी को भी पता नहीं है कि वो कोच जो प्राइवेट कोचिंग वाले हैं वो कैसे हैं। दूसरी चीज़ प्राइवेट कोचिंग के लिए वो ये है कि वो बुक्स कौन सी करवाएंगे। जब मैंने 2018 में पढ़ाना चालू करा था तो मेरे पास यूट्यूब पे मैसेज आते थे ए टू के लिए कि हमें ए टू करना है। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा था कि ए वन आपने कहाँ से करा और कौन सी बुक्स करी। तो उन्होंने सिंपली यही बोला था कि हमने प्राइवेट कोचिंग से करा और कोई बुक्स नहीं करी, सिंपली उनके कुछ नोट्स होते थे और हमने खाली वो करें। तो आप मुझे बताइए कि बिना बुक्स करे किसका A1 कैसे हो सकता है। तो प्राइवेट कोचिंग वाले ये चीज़ बहुत करवाते हैं कि उन वो कुछ एक वर्ड फाइल बना लेंगे और वो बस आपको वो मेन मेन पॉइंट्स पढ़ा देंगे एंड देन फिनिश। तो आपको ये चीज़ भी उनसे पूछनी है कि मैं आपको अगर पैसे दे रहा हूँ तो आप कोई बुक पढ़ाओगे, बिना बुक पढ़ा आप कैसे हमें पूरे हर एक स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक चैप्टर्स में अपने अपने ग्रामर होती है, लेजन होता है, एक्सप्रेशन होता है, श्राइबन होता है। तो क्या आप हमें बुक्स करवाओगे, बुक्स करवाओगे तो कौन सी करवाओगे। तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई हमने देखा है कि गोइथे में नेटवर्क यूज़ होती है और हमें गोइथे का ही एग्जाम देना है तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तो क्या आप नेटवर्क बुक करवा रहे हो। दूसरी चीज़ ना, तीसरी चीज़ क्या ड्यूरेशन है आपके कोचिंग का, आप कितने टाइम में करवाओगे, 2 महीना 3 महीना 4 महीना। मिनिमम 2 महीना तो होना ही चाहिए एंड मैक्सिमम 3 महीना 3 मंथ्स, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको हर एक लेवल को इतना टाइम भी नहीं देना है, क्योंकि आपको इसके बाद एग्जाम भी देना है। जो कोचिंग प्राइवेट कोचिंग वाले बोलते हैं हम 1 महीने में करवाएंगे, 1.5 मंथ में करवाएंगे, वो लोग क्या करते हैं जो मैंने आपको बताया ना नोट्स वाला सिस्टम, वो लोग ये करवाते हैं कि सिंपली आपको नोट्स बता देंगे, ग्रामर बताएंगे एंड देन फिनिश। तो आपको ये चीज़ भी उनसे पूछनी है। फोर्थ चीज़, अगर उस प्राइवेट कोचिंग की फीस ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मोर देन 15,000, तो आपसे आपको उनसे ये भी पूछना है कि क्या आप एग्जाम प्रेप की तैयारी करवाओगे। अगर वो फीस ले रहे हैं 20,000 25,000 तो उसमें एग्जाम प्रेप इंक्लूड रहना चाहिए, क्योंकि आप गोइथे से नहीं कर रहे हो, आपको कौन बताएगा एग्जाम के बारे में कि क्या वो कोचिंग वाले आपको एग्जाम प्रेप की बुक्स है वो बताएंगे कौन सी है, क्या वो आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पूछनी है। अगर ये सब चीज़ें इनका अगर वो सही से जवाब दे देते हैं तो आई थिंक सो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, जो हमने डिस्कस करा कि किसी की जॉब है, किसी की स्कूल है, या कोई छोटी सिटी में रह रहा है, कोई हाउस वाइफ है, कोई भी रीज़न हो सकता है। यही अगर हम गोइथे की बात करें तो गोइथे में नेटवर्क बुक प्रॉपर यूज़ होती है, खाली फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली पुणे में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में नेटवर्क वो लोग यूज़ करते हैं और उसी का जो एग्ज़ाम होता है वो उस नेटवर्क बुक की जो वोकेबलरी है वही वहाँ पे यूज़ होती है। तो जो प्राइवेट कोचिंग वाले फॉर एग्जाम्पल कोई बिना बुक के कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि उस स्टूडेंट की वोकेबलरी क्या होगी, उस स्टूडेंट का ह्यूरन क्या होगा, जिस जो खाली उस वर्ड फाइल को बस खाली करा और एग्जाम देने जाएगा। ऐसे हुए हैं बहुत सारे, मुझे पास मैसेज आए हैं जब ए टू की उनको क्लास लेनी होती है मुझसे, अभी तो मैं नहीं लेता हूँ, जब ए टू की या B1 की उनको जब क्लास लेनी होती थी तो मैं उनसे पहले यही पूछता था, एक क्वेश्चन ये रहता था आपने A1 कहाँ से करा है। होता क्या है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आना चालू हो जाती है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है उस केस में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सपोज आपने A1 कर भी लिया कहीं से और आपको A2 B1 आपने सोचा था यार ये तो हो गया, मेरे को कोई अच्छी जगह से करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने B1 ज्वाइन भी कर लिया गोइथे में, अब जब आप वहाँ जाओगे तो आप इतने बड़े ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि एक तो आपको A1 A2 जिस टाइप से गोइथे वाले पढ़ाते हैं वो आपको समझने में ही टाइम लग जाएगा B1 में। दूसरी चीज़ जो A1 A2 में जो छोटी छोटी चीज़ें गोइथे वालों ने बताई होगी वो आपको पता नहीं होगी, तो आपको B1 में एकदम ब्लैंक जाएगा। तो इसलिए प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना पड़ता है। एक और ट्रैप में स्टूडेंट्स बहुत फंसते हैं प्राइवेट कोचिंग को लेके, वो है उनका सर्टिफिकेट कि आप 7,000 10,000 में हमसे कर लो, 1 महीना 1.5 महीने में हम कर देंगे और हम आपका एग्जाम लेंगे और आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। एक चीज़ आप नोट करके रखिए कि इंडिया में गोइथे सर्टिफिकेट के अलावा और किसी सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, इवन इन वीज़ास
वीजा इंटरव्यू में भी अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे किसी में A1 यूनिवर्सिटी मांगती है, A2 मांगती है, C1 मांगती है, किसी में टेस्ट ड्राइव मांगती है, या जॉब सीकर्स में भी सर्टिफिकेट्स लगता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है टेस्ट गोइथ सर्टिफिकेट। आप कोई प्राइवेट कोचिंग का नहीं लगा सकते हो, तो आपको एक इस चीज़ का ध्यान में रखना है, इस ट्रैप में नहीं फंसना है कि वो सर्टिफिकेट का आपको बोल रहे हैं तो हाँ ठीक है वो पास भी कर देंगे वहीं से कर रहे हैं, तो एट द एंड आपको गोइथे का एग्जाम देना ही पड़ेगा। इसलिए इन जो प्राइवेट कोचिंग्स की जो फीस होती है वो कंपेयर टू गोइथे कम होती है। गोइथे के कुछ एडवांटेजेस और भी है, वो ये है कि गोइथे में ये चीज़ें तो होती है, मॉडल मॉडल्स जो मैंने आपको बताया, लेजर न्यूरो इंस्पेक्शन शायद, उसके अलावा वहाँ पे हर मंथ में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं उनके खुद के होते हैं लैंग्वेज को लेके, वहाँ पे मूवीज दिखाई जाती है, आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज होती है, उनके खुद के गोइथे के मोबाइल ऐप्स है आप उनको यूज़ कर सकते हो, उनके जो PDF फाइल है उनका एक्सेस आपको मिलता है, गेम्स होते हैं आप वो कर सकते हो, अगर किसी को नॉवेल्स का शौक है तो वहाँ की जो लाइब्रेरी है या न्यूज़पेपर है आप वो सब वहाँ से ले सकते हो। इसलिए गोइथे की फीस ज़्यादा रहती है कंपेयर टू जो प्राइवेट आपके जो कोचिंग्स होते हैं उन उन उनसे। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में इतना डिफरेंस क्या है। ना एक और मेन चीज़ है जो मैं इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, वो है एग्ज़ाम की डेट्स को लेके, गोइथे की एग्ज़ाम्स को की डेट को लेके, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया ना एक प्राइवेट कोचिंग का जो सर्टिफिकेट वाला ट्रैप रहता है, वैसे ही एक और ट्रैप होता है जो हर एक स्टूडेंट्स उसमें फंस जाता है, वो है गोइथे की एग्ज़ाम डेट्स को लेके, जिसका हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके तो आई होप इतना तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, गोइथे बेस्ट है कि प्राइवेट कोचिंग वाले बेस्ट है। अगर प्राइवेट कोचिंग वाले बेस्ट भी है तो आपको उनसे कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। ना अगर आप मेरे से सजेशन पूछोगे तो मेरा आपको सजेशन यही है कि अगर आपने ये सब पॉइंट्स पूछे हैं जो मैंने आपको बताया प्राइवेट इंस्टीट्यूट को लेके, अगर वही पॉइंट्स आपको ठीक लगते हैं और आपका मेन मोटिव है कि खाली आपको A1 A2 करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप कर सकते हो प्राइवेट कोचिंग से, क्योंकि हमने जो रीज़न डिस्कस करे कि आपके पास ऑप्शन नहीं है गोइथे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का। और दूसरी साइड अगर किसी के पास किसी का ये एम है कि उसको जर्मनी आना है, अच्छे से जॉब करना है, उसको लंबे समय तक यहाँ पे रहना है, तो आई वुड सजेस्ट अगर उसके पास टाइम भी है तो वो गोइथे इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करे, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट एक इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ जर्मन लैंग्वेज में ही बोली जाती है। तो जब आप जर्मनी आओगे तो आपको इतना तो रहेगा कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में, किसी से कम्युनिकेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आपकी जो जॉब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो बहुत बढ़ जाएगी। जैसे अभी मेरा C1 और टेस्ट ड्राइव हुआ हुआ है, तो मुझे एटलीस्ट इतना तो नहीं है कि मेरे को पार्ट टाइम जॉब में कोई दिक्कत आती है, या अभी मैं कोई रिसर्च लिख रहा हूँ तो मुझे उसमें कोई दिक्कत आ रही है, या मेरे को अगर इंटरव्यू भी देना है जॉब को लेके, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि अरे यार इस इंटरव्यू में पे सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये इंग्लिश में है कि इंटरव्यू होगा कि जर्मन में होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल है जर्मनी को लेके। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या वो सोचते हैं कि हम A1 A2 तो कर लेते हैं, चलो गोइथे से कर लेते हैं, फिर बाकी का देखेंगे जर्मनी आके। जर्मनी में लैंग्वेज की फीस बहुत ज़्यादा है, अगर आप यहाँ पे आके कर रहे हो तो पहली चीज़ तो ये कि इतना टाइम नहीं है कि आप एक लैंग्वेज ज्वाइन कर लोगे, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लोगे और देन आप बाकी के लेवल से ऐसे कर लोगे। ज़्यादा अच्छा है कि जो मैंने आपको बताया वेल स्ट्रक्चर पैटर्न रहता है वहाँ पे, कि दो दो महीने का वो रहता है उनका, इसलिए गोइथे में बेनिफिट्स कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, भले ही उनकी फीस ज़्यादा है, मगर A1 से C1 में जो अगर आप हार्ड वर्किंग हो और आपको लैंग्वेज आप जल्दी से समझ रहे हो इस जर्मन लैंग्वेज को, तो आप गोइथे से जल्दी 1 साल के अंदर अंदर कर दोगे पूरा का पूरा A1 से C1 तक। तो यही थे कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज गोइथे इंस्टीट्यूट को लेके और प्राइवेट कोचिंग को लेके। यार हो गया खत्म। सो आई होप आपको समझ आया हो। स्टिल अगर आपको कोई और भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, एंड और भी कोई दूसरा टॉपिक अगर आप जानना चाहते हो कि उसके बारे में हम बात करें तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए,
मोस्टली मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, जो भी आपके आंसर्स हैं मैं वहाँ पे जल्दी दे सकता हूँ. एंड या सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. चाओ.